जिस पर हाथ रख दे मेरा साई फकीरा, पल में वो पत्थर भी बन जाए नया हीरा। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की श्रृंखला मेरी कलम में आप सभी का स्वागत है। साई बाबा के बारे में तो हम सब ने सुना ही होगा और उनकी चमत्कारों के बारे में भी बहुत सुना होगा। आज हम ऐसे ही एक उनके चमत्कार से मिलने जा रहे हैं, रुजवे बरूचा जी से। इन्होंने वैसे तो कई किताबें लिखी हैं, बट आज हम बात करने जा रहे हैं द फकीर ट्रायोलॉजी के बारे में। रुजवे जी के बारे में आपको बता दूं, ये फिल्म मेकर हैं, जर्नलिस्ट रह चुके हैं और ऑथर भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रुजवे जी का। स्वागत है आपका पीएमसी हिंदी में। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले हम और इंतजार ना करते हुए आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। आपकी जर्नी फ्रॉम अ फिल्म मेकर, फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर टू एन ऑथर, वो कैसे हुई शुरुआत? एक्चुअली मेरी जर्नी लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में शुरू हुई, वेयर राइटिंग इज कंसर्न। हमने एक प्रोफेशनल मैगजीन निकाला था कॉल्ड वेंचर, और बहुत सारे आर्टिकल्स हमने खुद लिखे थे। और तभी एक दोस्त ने कहा कि ये मैगजीन में कुछ शॉर्ट स्टोरी भी होनी चाहिए। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं ही ट्राई कर लेता हूँ, बिकॉज आई यूज टू एक्ट इन थिएटर इन स्कूल एंड कॉलेज। ऐसे चलो हम ही कुछ लिख देते हैं, एंड वो सिलसिला वहां से शुरू हुआ। और एट द एज ऑफ 24 आई बिकेम अ फादर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। और तब यू नो आई रियलाइज के ये किताब लिखना अलग बात है और किताबों से पैसे कमाना और परिवार को देखना अलग बात है। सो देन आई गॉट इनटू जर्नलिज्म और आई बिकेम एन एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, पुणे ट्रिब्यून। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस बिजनेस पब्लिक पब्लिकेशन डिवीजन में आई वाज द चीफ एडिटर ऑफ वेरियस मैगजीन्स। एंड वन डे आई लॉस्ट ऑल माय जॉब्स। आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फॉर 2-3 मैगजीन्स, और एक दिन सब इन स्पैन ऑफ आई थिंक 7 दिन वन बाय वन हर आई बिकेम अनएम्प्लॉयड। और तब 2 बच्चे थे छोटे, एंड तो मैं एक जैको पब्लिशर्स के पास गया था, मिस्टर शर्मा। आई वॉज इन मुंबई दैट टाइम, ग्रोन अप इन मुंबई, बॉर्न इन मुंबई, सो आई वॉज इन मुंबई। एंड उन्होंने कहा कि आप हम लोग फिक्शन प्रिंट नहीं करते, आप कोई नॉन फिक्शन किताबें लिखी। तो तब मैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक लिकर मैगजीन का एडिटर भी था, फर्स्ट लिकर मैगजीन इन इंडिया कॉल हाई स्पिरिट्स। सो उन्होंने कहा आप कुछ स्पिरिट के ऊपर लिख दीजिए। एक्चुअली वो बेचारे बोल रहे थे कि आप एडिटर हो लिकर मैगजीन के, तो आप कुछ किताब लिखिए जो लिकर के ऊपर है। बट ही डिडंट से लिकर, ही सेड स्पिरिट के ऊपर आप कुछ लिख दीजिए। डोंट नो व्हाई मैं सोचा स्पिरिट मींस लाइफ आफ्टर डेथ, भूत प्रेत आत्मा। और वो 15 मिनट वो बेचारे लिकर इंडस्ट्री के लिए बात कर रहे थे और 15 मिनट मैं सोच रहा था वो स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर बात कर रहे थे। हम लोग दोनों बहुत खुश थे। मैंने पूछा भी कि आप मुझे क्यों कह रहे हैं स्पिरिट के ऊपर। ये सिंह नहीं नहीं रुजबे, यू आर परफेक्ट स्पिरिट के ऊपर। बाद में उन्होंने बोला एक चैप्टर आप हैंगओवर का भी लिख दीजिए। तो तब मैंने बोला स्पिरिट वर्ल्ड में हैंगओवर भी होता है क्या? So then he told me, आप क्या बात कर रहे हो? So I told him, you want me to write a book on spirits, right? Life after death, spirit communication. He said, नहीं,
लेकिन आपका आइडिया बेटर है, आप इसके ऊपर किताबें लिखो. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी इन व्हाट यू कॉल स्पिरिचुअलिटी, पैरानॉर्मल एंड एनीथिंग. और अराउंड 1999 मेरी पहली किताब आई कॉल्ड द लास्ट मैराथन. वो किताब लाइफ आफ्टर डेथ और स्पिरिट कम्युनिकेशन के ऊपर है. एंड फकीर केम, फकीर वॉज माई फिफ्थ बुक विच इज फिक्शन में कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू कमिट सुसाइड एंड साई बाबा ऑफ शिरडी केम अबाउट. और ऐसे आस्ते आस्ते अभी 22 बुक्स पब्लिश हुई हैं. जैसे कि आपने बोला कि आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उसमें से आपको फकीर की इंस्पिरेशन कहां से मिली? I was going through a very low period that time, and बहुत डिप्रेशन और सब कुछ चल रहा था. और एक दिन अराउंड 6:30 बजे सुबह, और मैं एक्चुअली बहुत लेट सोता हूँ. आई स्लीप 2 to 4, बिटवीन 2 and 4, सो आई नेवर गेट अप एट 6 and 7. तब आई वॉज वोकन अप और ऐसे लगा कि बाबा बोल रहे हैं कि चलो अबे हम किताब लिखते हैं एक नई. और मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या लिखने वाले हैं, फिक्शन है नॉन फिक्शन है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, आई हैड नो आइडिया. और फकीर स्टार्टेड दैट वे. और जो भी एक्सपीरियंसेस बाबा के साथ थे, जो भी एक्सपीरियंसेस चैनलिंग में थी, काउंसलिंग में थी, वो सब वो किताब में आ गए. So, इसके लिए मैं सबको बोलता हूं, मैंने फकीर नहीं लिखा है, बाबा रोट द बुक थ्रू मी, नॉट आई हैव नॉट रिटन. क्योंकि जो फिलोसफीज है फकीर में, आज भी 15 साल के बाद भी बहुत सारे मेल्स जो आते हैं, मैसेजेस जो आती है, ऑल से के फकीर पढ़ने के बाद हमारी जिंदगी बदल गई, हम सुसाइड करने वाले थे, वी वर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, यू नो आपकी किताब ने हमें बाबा से और जुड़ दिया है, हमारे गुरु के गुरु को से जुड़ दिया है. सो या इसी पे मेरा अगला सवाल, जैसे कि आपने बोला कि आपको साई बाबा से चैनलिंग होनी शुरू हुई थी, तो क्या ये आपको चैनलिंग कहें या ब्लेसिंग्स कहें, ये पहले से मिलती थी या जब आप किताब लिखना शुरू करना चाहते थे आपको तब से मिली? नहीं नहीं, क्या हुआ कि मैंने कहा कि इन एक हफ्ते में मेरे सब, आई वाज अनएम्प्लॉयड, मैंने कहा था आपको जी, तो उसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैं मोटरबाइक पे जा रहा था, और तब हृदय के अंदर से बाबा का मंत्र आया. ओके, और आई हैड टू स्टॉप द बाइक, मैं बाइक चला नहीं पाया क्योंकि पूरा शरीर क्या बोलते हैं वाज शेकन अप. और मैं बाबा को मानता था, मेरे परिवार में मम्मी के फैमिली, दादी दादा नानी नाना, यू नो दे ऑल मम्मी डैडी, एवरीवन बिलीव्ड इन बाबा लॉट. तो ऐसे नहीं था कि बाबा कोई उस टाइम मेरे जिंदगी में आए, वो हमेशा थे. हम शिरडी गए बहुत सारे बार, तो बाबा वॉज देयर, बट आई नेवर थॉट के बाबा इवन न्यू दैट आई एग्जिस्टेड. तो जब ये मंत्र आया हृदय के भीतर से, तो मैं खुश भी था कि मुझे पता था ये मेरा मन का वहम नहीं है, क्योंकि आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ बाबा. और तब ये यू नो, और मैं खुश था कि चलो
बाबा को पता है मैं कि एक शख्स है रुजबे भरूचा, वो यहां वहां भटक रहा है। और मैं खुश था, लेकिन मुझे पता था कि अभी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। आई जस्ट न्यू इट। अच्छा, क्योंकि बाबा ऐसे ही नहीं आते हैं, वो हमें शक्ति देने के लिए आते हैं कि बच्चा तूफान आने वाला है, लेकिन तू फिकर मत कर, मैं तेरे साथ हूं। एंड देन इन 7 days टाइम बैंकक्रप्ट, अनएम्प्लॉयड, हाउसलेस, होमलेस, एवरीथिंग। और जब ये लास्ट मैराथन शुरू की, आई मेट बहुत सारे मीडियम्स को मैंने कनेक्ट किया। वीरा खेशवाला जो मेहर बाबा की मीडियम थी, और उनके हर बुधवार को अराउंड 5 या 5 o'clock, आई थिंक 5-6 o'clock, ये लोग सब मिलते थे और चैनलिंग करते थे। तो उन्होंने पहली बार बोला कि बाबा बोल रहे हैं कि आप भी चैनल हो, माध्यम हो। मुझे एक्चुअली यू नो किताब लेनी थी कि थोड़े पैसे आए कि बच्चे लोग ठीक रहे, यू नो माध्यम नाइस, बट यू नो आई वाज नॉट की ऐसे अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। उन्होंने कहा कि साई बाबा आपके बाजू में के नजदीक खड़े हैं, ऐसे वेरी गुड। मुझे किताब लिखनी थी फटाफट 40 दिन में, और 1-2 महीने में दे देनी थी कि थोड़ा एडवांस आ जाए तो थिंग्स विल सेटल। बाद में और मीडियम्स आए और वो लोग भी बोले अरे बाबा आपके नजदीक खड़े हैं। तो मुझे थोड़ा विचित्र लगा कि बाबा मेरे साथ क्यों खड़े हैं, ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है, ऐसा कुछ प्रार्थना नहीं की उनको, ऐसा कुछ यू नो साथ शुद्धि का पाठ भी नहीं चल रहा हूं, सब कुछ चल रहा है जिंदगी में, तो बाबा मेरे पास क्यों आएंगे। तो 1 महीना गया, आई वॉज सिटिंग, ये चैनलिंग होती थी, मैं सब देख रहा था, बट इन द एंड वो जर्नलिस्ट बाहर आ गया कि ये लोग करते रहे कि, लेकिन आई हैव टू एक्सपीरियंस व्हाट दे आर डूइंग। सो बिकॉज ऑफ दैट जर्नलिस्ट इनसाइड मी, मैंने बोला अच्छा मैं भी ट्राई करता हूं ये क्या है चैनल। एंड देन मैसेजेस स्टार्टेड कमिंग। मैंने बहुत वक्त गवाया टू बिलीव दैट बाबा कम्स थ्रू मी, क्योंकि मेरे व्हाट डू आई से, इट डिडंट एंटर माय हेड व्हाई वुड ही कम टू मी। यू नो ऐसे बहुत लोग हैं जो बाबा को जी जान से प्यार करते थे, प्रार्थना करते थे, हर साल हर 3 महीने शिरडी जाते थे, मेरा तो कुछ ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड था ही नहीं। बट अभी इतने सालों के बाद जब मैं सोचता हूं तो मेरे परिवार वाले बहुत बाबा को प्यार करते थे। मेरी नानी ईरान से आई थी, वो ईरान में जन्म लिया था मेरी नानी ने, और उनको बाबा से बेहद प्रेम था। सो आई थिंक मेरे बुजुर्ग की प्रार्थना और भाव मेरे पे वो क्या बोलते हैं गिफ्ट आ गया। ये बाबा ने बोला कि चल ये सब बुजुर्ग इतने मुझे प्यार करते हैं, ये तो इडियट है, थोड़ा उसको संभाल लेते हैं। सो देन फकीर वॉज द एक्सपीरियंसेस ऑफ जो बाबा ने मुझे चैनलिंग में दिए थे, क्योंकि फकीर केम आउट इन 2007 और आई बिगैन चैनलिंग इन 1999। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे और फकीर आई थिंक इज
अभी भी लोग फकीर की बात कर रहे हैं। तीन किताबें आई है फकीर की और अभी भी फकीर की लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है ना वो हम सब जैसा है, फ्लॉड, उसमें खामियां हैं, वो परफेक्ट नहीं है। और बाबा जब बात करते हैं वो प्रीचिंग नहीं करते हैं, वो कम्युनिकेशनल बात है, कॉन्वर्सेशनल बात है। सो आई थिंक वो क्या स्पिरिचुअल किताबें ऐसे आती नहीं है। स्पिरिचुअल किताबें बड़ी बेटा ये मत कर, बेटा ये करना है, और यहाँ पे सब चलता है किताब में, सिगरेट है, दारू है, स्वेरिंग है, सब कुछ है। तो आई थिंक जो कॉमन मैन है वो जो पढ़ता है उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं भी ये कैरेक्टर जैसा हूं। वो उनसे रिलेट कर पाते हैं। यस, वो परफेक्ट कैरेक्टर है तो है नहीं, तो आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स द बुक रिलेटेबल। और बाबा भी प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, ये मत करो ये मत करो, नहीं, ही इज जस्ट शोइंग यू कि जिंदगी इज्जत से कैसे जीनी चाहिए। आई थिंक दैट इज इट। जिंदगी कैसे शांति से और इज्जत से, और क्या है हिंदी वर्ड, ब्रेवली, बहादुरी के साथ कैसे जीने चाहिए। सो आई थिंक उसके लिए फकीर अभी भी, अभी कितने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, ब्रेल में, बंगाली में। सो आई आई थिंक ये किताब जब भी कोई लिखता है मुझे बोलता है कि मैं मेरे लाइफ में बहुत बुरी फेज से गुजर रहा था तब ये किताब आ गई मेरे पास। और ये जो पढ़ने वाले हैं सब साई बाबा के शिष्य नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये किताब ने हमें सिखाया है हमारे गुरु को कैसे प्यार करना है। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट साई बाबा, साई बाबा हमारे गुरु है वो तो किताब में है। और अगर आपके गुरु रमन महर्षि हो तो भी यू कैन रिलेट, क्योंकि एक शिष्य को अपने गुरु से कैसे प्यार करना है, आई थिंक दैट बुक इज अबाउट दैट। और प्यार, द फर्स्ट स्टेप ऑफ लविंग अ गुरु इज सरेंडरिंग टू द गुरु। जैसे कि आपने कहा कि हमें ये बुक गुरु को प्यार करना सिखाता है, सरेंडर करना सिखाता है, इसका मतलब क्या है? देखो ये जो प्यार है ना बड़ा स्ट्रेंज एनिमल है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्यार, वी लव आवर सेल्व्स, हमें हमसे ही प्यार है हमसे। ओके, मैं ये बात बहुत टाइम कह चुका हूं कि अगर साई बाबा ऑफ शिरडी तखत होते, उनके करोड़ों डिवोटीज और डिसाइपल्स के सामने, और अगर साई बाबा का है कि अच्छा बेटा आज से ना मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा चेंज हो गया किसी को भी कुछ भी ग्रांट नहीं कर सकता, किसी की भी प्रार्थना या ख्वाहिश को मैं ग्रांट नहीं कर सकता, कबूल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं कि तेरे साथ रह सकता हूं और तुझे आशीष दे सकता हूं, लेकिन तू अगर मुझे कुछ भी मांगेगा मैं तुझे कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने अपने आप को पूछा कि अगर बाबा मेरे सामने ऐसे आते हैं तो मैं क्या जवाब देता हूं, और अगर सचमुच बाबा प्रकट होके ये अनाउंसमेंट करते
तो कितने लोग शिरडी जाते हैं? हम लोग हमारी गॉडेस गॉड गुरु देवी देव गुरु को क्यों प्रार्थना करते हैं, ये पहला क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसमें मांग होती है, एक पुकार होता है। कई बार वो पुकार जस्टिफाइड होता है, लेकिन एक मांग होती है, ये दे दीजिए मुझे, मेरे परिवार को सही सलामत रखिए, यू नो एवरीथिंग, पैसे है, मेरा लड़का इडियट है, थोड़ा सा बुद्धि दे दो, यू नो ऑल दैट, राइट। पर अगर एक बाबा इज सेइंग कि मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा तुझे, तो वुड वी एट प्रे बाबा, क्या हम नेक्स्ट डे डिफरेंट गॉडेस गॉड गुरु जिसके पास ये डिपार्टमेंट है हम चले जाएंगे या नहीं? सो मैं जब कहता हूं कि फकीर प्यार की लैंग्वेज सिखाती है, क्या बोलते हैं हिंदी में प्यार के अल्फाज, प्यार की भाषा, प्यार की भाषा, वेरी गुड, तो प्यार की भाषा सिखाती है। तो ये प्यार का वर्ड क्या है, व्हाट इज इट मीन, उसकी रियल मीनिंग क्या है? तो जब हम कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, तो ये श्रद्धा का एक्चुअल मीनिंग क्या है? कई लोग आते हैं बोलते हैं मेरा काम सब ठीक हो जाएगा, मेरा लड़का ठीक हो जाएगा, मेरी बीबी अभी शांत हो जाएगी, क्योंकि मेरे मुझे बाबा पे विश्वास है, श्रद्धा है। तो क्या श्रद्धा है कि नहीं मेरा काम हो जाएगा, और जब वो काम नहीं होता है तब हमारी श्रद्धा झिल जाती है, हिल जाती है। कई बार तो हम बाबा को पूछते नहीं पा, वो क्या श्रद्धा है कि वो सौदा है? मुझे श्रद्धा की खुशबू तो आ नहीं रही है यहां पे, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की महक आ रही है। हम बोलते हैं सेल्फलेस सरेंडर, विच मीन्स जो हाइएस्ट फॉर्म श्रद्धा का है वो कि बाबा मैं हर पल को इज्जत दे के 100% दूंगा, बाद में जो हो जाए मैं आपके चरणों पे रखता हूं। Means, I will give my best to each moment and I leave the rest at thy feet. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे परिवार के लिए क्या सही है, मेरे देश के लिए क्या सही है, वो आप बेहतर जानते हो मुझसे। तो अगर ऐसी कोई घटना हुई जहां मुझे ठेस लगे, चोट लगे, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो बेस्ट। ये जो श्रद्धा है वो इसकी खुशबू कुछ और ही है। हमारा श्रद्धा क्या है? भैया बाबा देख लो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, 2 टाइम दिया जला रहा हूं, 3 टाइम अगरबत्ती जला रहा हूं, और गुरुवार के लिए आपके लिए मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूं, तो प्लीज ये लिस्ट है हमारा, सॉर्ट इट आउट। ये हमारा फेथ है। ये तो धंधा ही हुआ,
और मैं एक चीज बोल सकता हूं, ये जो गुरु है ना, उनके साथ धंधा नहीं करना चाहिए, नॉट गुड बिजनेस पीपल। उनके साथ बच्चा और पेरेंट का रिलेशन होना चाहिए। अगर आप अपने गुरु को बच्चे की तरह प्रार्थना करो और उनसे इंटरैक्ट करो तो सब ठीक है। जब आप एडल्ट बन के इंटरैक्ट करते हो ना, तब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बाबा बोलते हैं श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि गुरु को हिला दे। ओके, सो बहुत काइंड ऑफ श्रद्धा। एक ये श्रद्धा है, मैं आपको सब कर रहा हूं, आप मेरा सब संभाल लीजिए। दूसरी श्रद्धा है कि कुछ भी होगा, इन द एंड बाबा मेरा काम कर देंगे। और तीसरी श्रद्धा जो थोड़े पागल लोग के पास है, वो है आपको जो करना है कर लो। ओके, ये जो पागलपन दैट्स डिफरेंट, दैट्स डिफरेंट। सो हाँ, हमारे पिता है, हमें हक है कुछ भी पूछने के लिए, हमें हक है लड़ने के लिए, लेकिन उनकी डिसीशंस को डाउट मत करो। जब मेरे साथ कुछ होता है, मैं कहता हूं बाप को कि आई डोंट अग्री विथ यू, लेकिन आपकी इच्छा और आपका डिसीजन सर आपको, क्योंकि कुछ भी हो माय बाबा नोज बेस्ट। ये जो फिलॉसफी है कि मेरी जिंदगी के लिए, मेरे परिवार की जिंदगी के लिए, मेरे दोस्तों की जिंदगी के लिए, मेरे देश की जिंदगी के लिए, मुझसे बेहतर तो बाबा जानते हैं। और अगर बाबा को मेरा क्या बोलता है नोज, नाक जमीन में रगड़ाना है, बी इट ना। मेरी बाबा मुझसे जमीन की खुशबू लेना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा पागलपन है, पर आई थिंक ऊपर वाला को, ऊपर वाले को के पास पहुंचने के लिए थोड़ा पागलपन तो जाहिर है। ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोग नहीं पहुंचते, स्टूपिड पीपल लाइक अस रीच। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए और पीएमसी हिंदी पर आने के लिए। तुम्हें अभी बताया कि मरने के बाद हम अपना रिव्यू करते हैं, क्या स्वर्ग और नर्क नहीं होता? मैं सिर्फ जो बाबा गाइड कर रहे हैं, मैं उससे बात कर रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्टिंगली इंटरेस्टिंगली कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन से ये सब्जेक्ट पे मैच ही नहीं होती।